वेलकम टू थाई प्लांट नर्सरी। थाई प्लांट नर्सरी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ये है L49 गोवा की प्लांटेशन है। और ये जो है अभी दिखा रहा हूँ ये बैंडिंग टेक्निक है। तो कैसे आपको इसको बैंडिंग करना है तो देख लीजिए थोड़ा। जब इस पौधा लाया था ये देखिए, ये ब्रांच था और इसमें से दो ब्रांच निकल के चार हुआ, फिर उसमें से इधर से झाड़ियाँ बन गया। तो दोस्तों ये जो ब्रांच है ये देखिए, जैसे ये देखिए अभी बैंडिंग किया हुआ है, ये आज का दिन बैंडिंग हुआ है और ये पुराना बैंडिंग वाला। तो दोस्तों ऐसे आपको इसका जो मेन ब्रांच है और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ऐसे घुमा के फिर एक रस्सी का मदद से आपको वही मेन ब्रांच से आपको इसको बांधना है, फिर इसमें ऐसा नया नया ब्रांच निकलेगा। और दोस्तों ये जो प्लांट है ये झाड़ियाँ भी बनेगा और जो फ्रूटिंग सिस्टम है वो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही नया ब्रांच निकलेगा ये देखिए, हाँ ये जो जगह है यहाँ से नया नया कोली आ रहा है ये देखिए। तो जैसे ही नया ब्रांच निकलेगा उधर से ही कली निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, देख लीजिए आप। और ये जो पौधा है ये लगभग 4 साल पुराना पौधा है। इसका नीचे वाला पोर्शन आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और ये इसमें बहुत अच्छा गोबर भी होता है। और दोस्तों इसका जो पौधा है, एक पौधा से दूसरा पौधा का दूरी है 10 फीट बाई 10 फीट। इससे अच्छा गोबर भी होता है और अंदर घूमने का जगह भी मिल जाता है। आप खेती करने चाहते हैं तो ऐसे तरीके से करिए जिससे आपको बहुत अच्छा गोबर मिल सके। और ये जो वैरायटी है दोस्तों इसमें बहुत अच्छा इनकम आता है। हमारा इंडिया में, हमारा तो वेस्ट बंगाल है, बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा किसान ये वैरायटी लगाता है, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये जैसा अंगूर होता है अंगूर की तरह इसमें फ्रूट पकड़ता है। और यही प्लान में जब फ्रूट पकड़ेगा उसी टाइम का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। और अभी का इससे पहले जब फ्रूटिंग आया था उसका वीडियो मेरा चैनल में दिया हुआ है, आप थोड़ा उनसे मतलब मेरा चैनल में देख के निकल लेना। और दोस्तों अगर ये वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, करके आपका जो विचार है वो बता दीजिए। और उसके बाद जो ये है आपका, आप मेरा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी मैं ऐसा हर हफ्ते वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका सूचना मिल सके। और इसका जो पौधा है वो भी मेरा नर्सरी पे मिलता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर रहेगा उसमें से कॉन्टैक्ट करिए।